हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सब ठीक होंगे एंड अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे अच्छे से। सो हियर आई एम विद अनदर वीडियो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्टली रिवर्स और लेक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the first question is, which of the following rivers is or a tributary of Indus River? आपको पूछा गया इस क्वेश्चन में कि बताइए इनमें से कौन सी रिवर या रिवर्स हैं जो इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। ऑप्शन इज शोक रिवर, झंस्कार रिवर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले बोथ ए एंड बी। शोक रिवर और झंस्कार रिवर दोनों ही आपके इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अगर हम शोक रिवर की बात करें तो ये रीमो ग्लेशियर से निकलती है एंड इसको रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इंदस को ज्वाइन करती है स्कार्दू सिटी में। आई होप ये आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू इज़ द नीलम रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज। जो नीलम रिवर है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? किशनगंगा, तवी, जेहलम या नुब्रा रिवर? तो इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले है किशनगंगा। नीलम रिवर को ही हम किशनगंगा के नाम से भी जानते हैं। ये विशनसर लेक से निकलती है जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, श्रीनगर में, एंड 245 अप्रॉक्स इसकी जो लेंथ है 245 किलोमीटर्स है। नीलम वैली से होते हुए LOC क्रॉस करके जो मुजफ्फराबाद वाला एरिया वहां जाके कहां झेलम रिवर में मिल जाती है। ठीक है, सो ये किसकी? झेलम की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। बाकी जो रिवर्स हैं जैसे तवी, झेलम एंड नुब्रा रिवर हो गई, ये मैंने पिछली वीडियो में कम्प्लीटली मतलब पूरे डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। सो अगर आपको इन रिवर्स के बारे में पढ़ना है तो आप वो वाली पिछली वीडियोस जो हैं प्रीवियस वीडियो हैं वो देख सकते हैं। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? किशनगंगा रहेगा। 245 किलोमीटर्स इसकी लेंथ रहेगी। विशनसर लेक गांधरबल से निकलती है एंड मुजफ्फराबाद में जाके जो कि POK वाले रीजन में पड़ता है वहाँ पे जाके झेलम रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द किशनगंगा रिवर मीट्स द झेलम रिवर एट। किशनगंगा रिवर झेलम रिवर से कहाँ पे मिलती है? ऑल दो मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है, बट लेट्स सी। ऑप्शन इज जम्मू, वुलर लेक, मुजफ्फराबाद या लद्दाख रीजन। तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया कि मुजफ्फराबाद में जाके झेलम रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, एंड किशनगंगा को ही हम और किस नाम से जानते हैं? नीलम रिवर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आई होप ये क्लियर ही होगा आपको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ डेथ? रिवर ऑफ डेथ हम किस रिवर को बोलते हैं? अनदर नेम, ठीक है, हम बोलेंगे। सो ऑप्शन इज सुरु रिवर, ऑप्शन बी शोक, द्रास और नुब्रा रिवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सबसे पहले वो रहेगा हमारा शोक रिवर। ठीक है, शोक रिवर अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि लद्दाख रीजन में है, रिमो ग्लेशियर इसका जो सोर्स है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, इसी को हम रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं। ठीक है, और जो स्कार्दू सिटी है लद्दाख में वहाँ पे ये इंदस को ज्वाइन करती है। ठीक, उसके बाद बाकी सुरु रिवर की अगर हम बात करें तो ये भी इंदस की ट्रिब्यूटरी है एंड ऑब्सीक्वेंट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि कहाँ से नीचे वाली मतलब उल्टी डायरेक्शन में बहती है, इसलिए इसको ऑब्सीक्वेंट ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। एंड इसके कारगिल जो सिटी है वो सुरु रिवर के ही बैंक पे है। ठीक है, सो मैंने आपको सुरु रिवर का भी थोड़ा बता दिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। तो रिवर ऑफ डेथ को बोलते हैं हम, शोक रिवर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव। सुरु रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द, और सुरु रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका सोर्स क्या है? पेंजला ग्लेशियर, बालटोरा ग्लेशियर, बायोफा या हिस्पर ग्लेशियर? ठीक है, सबसे पहले ये जितने भी ग्लेशियर्स हैं सारे आपको कहाँ? लद्दाख रीजन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड देन इसका जो सुरु रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है हमारा पेंजला ग्लेशियर से। ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सुरु रिवर जैसे कि मैंने आपको बताया इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है एंड ट्रिब्यूटरी भी कैसी है? ऑब्सीक्वेंट ट्रिब्यूटरी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑब्सीक्वेंट ट्रिब्यूटरी किसकी रहेगी?
हमारी इंदस रिवर की, ठीक है, 185 अप्रोक्स की जो लेंथ रहेगी एंड ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी, एंड इसी के बैंक पे हमें कारगिल जो सिटी है वो भी देखने को मिलती है, एंड इसका ओरिजिन कहाँ से हो जाएगा, पेंजिला ग्लेशियर से, अगेन इन द लद्दाख रीजन। आई होप ये भी क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच रिवर ऑरिजिनेट्स इन माचोई ग्लेशियर नियर द जोजिला पास। ठीक है, आपको पूछा गया जोजिला पास के पास जो माचोई ग्लेशियर है वहाँ से कौन से रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है, निकलती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, धरास रिवर। ठीक है, जो दरास है ये रिवर है जो कहाँ से निकलती है, माचोई ग्लेशियर से निकलती है। बाकी मैंने आपको जैसा पहले कहा तवी रिवर, शोक रिवर, किशनगंगा, किशनगंगा और शोक तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, बाकी तवी, झेलम, चिनाब जैसी जितनी भी रिवर्स हैं हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस की हैं। इन रिवर्स के बारे में जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, धरास रिवर है जो कि कहाँ से निकलती है, माचोई ग्लेशियर नियर जोजिला पास। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इज द नुब्रा रिवर मर्ज विद विच रिवर इन लद्दाख। जो आपकी नुब्रा रिवर है ये लद्दाख में किस रिवर में मर्ज होती है, किस रिवर की बेसिकली ट्रिब्यूटरी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए झेलम, बी रावी, शोक और तवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी दैट इज शोक। ठीक है, शोक रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है कौन सी, नुब्रा, एंड नुब्रा का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सेकंड लार्ज लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है। ठीक है, एंड इसी को हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन अर्थ भी बोला जाता है, किसको, सियाचिन ग्लेशियर को। 76 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है कौन सी, नुब्रा। अगेन झेलम, रावी, तवी जैसी रिवर्स मैं सारी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, मानसर लेक इज सिचुएटेड इन विच माउंटेनियस रेंज। ठीक है, आपको पूछा गया कि जो मानसर लेक है वो कौन सी माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है, पीर पंजाल, धौलाधर, काराकोरम और शिवालिक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सबसे पहले वो है शिवालिक। शिवालिक रेंज में आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, शिवालिक जो है ये सबसे पहले तो सदर्न मोस्ट और यंगेस्ट पार्ट है हिमालय का, दैट मीन्स कि ये सबसे आखिरी में बना था। ठीक है, दैट वाई इट्स यंगेस्ट पार्ट, एंड ये ब्रह्मपुत्र वैली तक ये एक्सटेंड होता है। इसको डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे जम्मू में आपको जम्मू हिल्स के नाम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दुधवा हिल्स, दांग रेंज के नाम से इसको जानते हैं। फिर कुछ इसका हिस्सा नेपाल में भी, वहाँ पर इसको चूड़िया मुड़िया के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो डफला, मीरी, अभोर, मिशमी जैसे नामों से शिवालिक रेंज के जो वो है हिल्स है उनको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, शिवालिक इज दी करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच लेक ऑफ जम्मू रीजन इज अवर मोस्ट लव्ड पिक्चर्स टूरिस्ट स्पॉट। इसमें से सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपको पूछा गया कि जम्मू रीजन में कौन सा लेक है जो एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, और जहाँ की सीनरी वगैरह अच्छी है, तो ऑप्शन ए इज़ आंचल लेक, बी इज सुरेंसर लेक, सी इज डल लेक एंड डी इज पेंगोंग लेक। सो आंचल और डल लेक की बात करें तो ये आपको दोनों कश्मीर रीजन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पंगोंग की बात करें तो आपको लेह लद्दाख वाले एरिया में देखने को मिलेगा, एंड सुरेंसर इज़ दी ओनली ऑप्शन जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू रीजन में बेसिकली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू सुरेंसर लेक हो जाएगा। सुरेंसर लेक की बात करें अगर हम, तो ये जम्मू से 42 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और सुरेंसर लेक में एक छोटा सा आइलैंड भी है, एंड सुरेंसर के साथ की विक्सिनिटी में ही थोड़ा ही दूर अबाउट 20 किलोमीटर्स मानसर लेक भी आपको देखने को मिलता है, एंड वहाँ पे मानसर लेक की ईस्टर्न जो साइड है वहाँ पे आपको शेषनाग का श्राइन देखने को मिल जाएगा, और आसपास की विक्सिनिटी में आपको उमापति महादेव, नरसिंह टेम्पल, दुर्गा माँ का टेम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये दोनों ही लेक्स जो रामसर वेटलैंड हैं उनमें भी
आज शामिल है उनमें भी आते हैं। ठीक है, सुरिंसर जम्मू से 42 किलोमीटर है एंड अगर मानसर की बात करें तो वो 62 किलोमीटर है जम्मू से उसका डिस्टेंस। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। गांदरबल टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन सी रिवर के सॉरी कौन से लेक के बैंक पे आपको गांदरबल टाउन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आंचल लेक, कोसनाग, शेषनाग लेक और गंगाबल लेक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहे सबसे है आंचल लेक है। आंचल लेक आपको कहाँ पे, ऑब्वियसली गांदरबल में देखने को मिलेगा। एंड एक सिंध नाला करके छोटी सी एक स्ट्रीम है जो कि इस लेक में से होती मतलब होती गुजरती है, फ्लो थ्रू करती है। एंड 8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 3 किलोमीटर वाइड है। एंड इसके नॉर्थ वेस्ट बैंक पर आपको एक जो गांदरबल है टाउन है वो देखने को मिलेगा आंचल लेके। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो सके, हो जाएगा ऑप्शन ए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड कोई भी आपका डाउट है, कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।